चलिए एक और नए टॉप रैंकर से मिलते हैं, निमसेट 2022 के ऑल इंडिया 21 रैंक अनिकेत सिंह, जो कि दिल्ली से हैं, आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने 21 रैंक अचीव की। तो अनिकेत, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली के सभी मेंबर्स को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अनिकेत, क्योंकि आप दिल्ली से हो, आपने ग्रेजुएशन के साथ ये रैंक अचीव की है, और ग्रेजुएशन के साथ रैंक अचीव करना कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि कई बार ग्रेजुएट बच्चे जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं होता, वो कई बार सोचते पता नहीं दोनों मैनेज होगा कि नहीं, और इस चक्कर में वो प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करते या लेट करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपने पहले तो कब सोचा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किस ढंग से प्रिपरेशन की, अपनी सक्सेस जर्नी जरूर बताएं, जिससे कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनको इस सेशन से, इस इंटरव्यू से कुछ ना कुछ वो अपने आप को रिलेट कर पाए। सर, मुझे निमसेट के बारे में, मतलब मेरा डिसीजन तो था कि मुझे मास्टर्स करना है फर्स्ट ईयर से ही, निमसेट के बारे में मुझे सेकंड ईयर से पता चला था। और सेकंड ईयर के एंड में मैंने निमसेट की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी मैंने शुरू कर दिया था, और एक दो महीना मैंने सेल्फ स्टडी करा, लेकिन उस एक दो महीने में मुझे ये तो पता चल गया था कि सेल्फ स्टडी निम्स से नहीं होने वाली। ठीक है, फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि मतलब कोचिंग कौन कौन सी अवेलेबल है, तो आपका तो सबसे ज्यादा, मतलब यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कंटेंट आपका ही है। इवन मैजिक कैप्सूल कोर्स के मैंने 2019 और 2020 के मैंने कैप्सूल कोर्सेज देखे थे यूट्यूब पे, तो उससे मुझे ये पता चल गया था कि अगर मैं कोचिंग लेता हूँ तो फॉर श्योर टॉप 3 एनआईटीज में तो मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने एनरोल किया था आपकी कोचिंग में, और रिजल्ट तो फिर सबके सामने ही है। आपने लास्ट पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, जुड़ गए थे रेगुलर कोर्स से, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और टेस्ट पेपर्स को लेके आप लोग, आप कितना वो रहते थे अलर्ट, और उसका एनालिसिस पे कितना वर्क किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही होती है, कई बच्चे उसमें मिस कर देते हैं, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा? सर मैं बताऊँ आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक भी दिन मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं है कि मैंने पढ़ाई ना करी। इवन कोई भी हॉलीडे हो, मेरा बर्थडे हो, किसी का भी बर्थडे हो, बिना पढ़ाई करे मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं था। तो ये तो एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मैंने एक बुक खरीदी थी, अरिहंत की बुक थी, पैकेज आता है उनका पूरा, लॉजिकल मैथ सब कुछ। और वो बुक जब से मैंने आपकी एनरोल करा था बैच में, एच बैच में था मैं, वो बुक मेरे को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज़्यादा, मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट सही में डीपीटी डीडब्ल्यूपीटी टेस्ट इतने ज़्यादा कि उसके अलावा मुझे लगा नहीं, मतलब वही कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मैं तो बुक की मैं क्या ही बात करूँ। फिर मतलब हम टेस्ट देते थे उसकी, देखो सर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप था, और टेलीग्राम के ग्रुप पे सारे एमपीटीएस के बच्चे थे। हम क्या करते थे कि जब हमारा टेस्ट होता था तो आपके एनालिसिस से पहले हम एक मीटिंग रखते थे कि जिसको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे मुझे किसी के क्वेश्चन में डाउट है, और जैसे हर्ष है जिसकी सेकेंड रैंक आई है, वो हमारे डाउट क्लियर करता था। अगर किसी और बच्चे को कोई डाउट होता तो हम क्लियर करते थे उसके, ऐसे हमारे एनालिसिस करते थे। पर्सनल मेरा अलग से तो सेपरेट एनालिसिस होता था, वो मैं उसमें यही करता था कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ वो यही देखना होता है कि क्यों नहीं हुआ, क्या नया कर सकता था, जो क्वेश्चन हुआ है उसमें कितना टाइम दिया है। अब एनालिसिस में यही चीज़ें करनी होती है। उसके बाद मॉक स्टार्ट हो गए थे। एक चीज़ के लिए सर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन सब हर कोई कहते हैं कि प्रेशर मत तो, बट प्रेशर तो होते ही अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। पूरे ट्रैवल जब मैं सेंटर तक पहुँचा, मेरे को थोड़ा बहुत प्रेशर तो था ही, मैं खुद को अपने मतलब खुद को कह रहा था कि ठीक होगा फिर प्रेशर रहेगा। जैसे ही मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा सेंटर में, मेरा सारा प्रेशर एकदम गायब हो गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि उसका मेन रीज़न तो यही था कि जो आपका जो हमारे ऐप में जो टेस्ट होते हैं उसका जो फॉर्मेट रहता है सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी निमसेट का भी रहता है। तो जैसे ही मैं स्क्रीन के सामने बैठा, मुझे लिटरली यही फीलिंग आई कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। तो यहीं से मेरा 99% प्रेशर मेरा यहीं से कम हो गया। तो दैट्स ऑल आई गेस। अनिकेत, आपने बोली कि आपने पढ़ाई रेगुलर की, किसी भी दिन कहीं जा रहे थे तो भी पढ़ाई में आपने ब्रेक नहीं लिया, पढ़ के ही जाते थे, ये एक बहुत बड़ा की होता है सक्सेस का। कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो दिन नहीं पढ़ा, फिर दो दिन में दो दिन का कवर कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। जैसे हम मान लो दो दिन खाना ना खाएं
तो भी तीसरे दिन हम पिछले 2 दिन का नहीं खा सकते या अगले 2 दिन का नहीं खा सकते। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और ये हर बच्चे को समझना चाहिए कि पढ़ाई हर दिन करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हर दिन ब्रश करना जरूरी है, हर दिन नहाना जरूरी है, वैसे हर दिन पढ़ना भी उतना ही जरूरी है, और उस कंसिस्टेंसी का फायदा मिलता है। दूसरा, जो आप लोगों ने एक अच्छा हेल्दी ग्रुप बनाया, ये भी बहुत अपने आप में बहुत वो थी अच्छी बात कि आप सब लोग आपस में भी क्वेश्चन डिस्कस करते थे। मतलब मेरे आने के पहले जब आप डिस्कस कर लेते थे, फिर मैं करता था, तो कहीं ना कहीं 3 बार एक बार एक ही क्वेश्चन होता था। एक बार आपने टेस्ट के समय किया, फिर ग्रुप में किया, फिर खुद से भी किया, और फिर मेरे साथ किया। तो वो ये जो चीज है कहीं ना कहीं बहुत आपके स्किल्स को डेवलप करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान रखें इस बात का। तो अनिकेत, आप ये बताओ मुझे कि अभी आखिर, इनफैक्ट आप अवार्ड सेरेमनी में तो आएंगे, पर फिर भी आपका अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा, स्पेशली जो ग्रेजुएशन में है, सेकंड ईयर में? पहला मैसेज तो मेरा यही है कि हम एग्जाम देने वाले, अगले साल जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, सबको डर लगता है कि कहीं हमारा ही पेपर इतना मुश्किल ना आ जाए। तो मैं मतलब ये सारा प्रेशर ना लें। अगर आपको ये प्रेशर आ रहा है तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। इस साल का, पिछले साल का, 2020 का, 19 का चलो एक्सेप्शन है, 17, 18, 16, 15, 14 सारे आपने हमें कराए हैं, और एक भी क्वेश्चन पेपर, एक भी जो एक्चुअल पेपर है, अगर हम उसको कंसीडर करके पढ़ाई करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर आपको लगता है कि मैं जेई एडवांस, जेई मेंस के क्वेश्चन करूं, तो हो सकता है उसको, उससे आपको ज़्यादा फायदा ना हो, तो आप अपने मतलब PYQ पहले आप देख लो, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ेगा। ये मेरा मैसेज रहेगा जूनियर्स। बिल्कुल सही बोला अनिकेत। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, भोपाल में फिर मिलेंगे। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही NIT त्रिची में भी परफॉर्म करना है और बेस्ट प्लेसमेंट लेना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।